हेलो दोस्तों, देखिए हम फ्राई कर लिया है। देखिए ये पत्ता का है, बंदा गोभी और क्या बोलते हैं मीठा कुबड़ा का पत्ता का, इसको अलग से हम क्रैक दिए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छा है, तो मैं भी अच्छा हूँ। आज हम कुछ बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं देखिए। ये लिए हैं पत्ता, क्या क्या पत्ता लिए हैं दिखा रहे हैं। कुमड़ा का पत्ता है, आलू का पत्ता है, एक कुंदरी का पत्ता है और एक कैबेज है। और हम बैंगन को ऐसे पतला पतला काट लिए, इसको भी फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई करने के लिए हम बेसन लिए हैं, ये 250 ग्राम है, इसको हम एक पैकेट पूरा डाल दिए हैं। और 200 ग्राम जैसे राइस पाउडर, चावल का पाउडर 200 ग्राम जैसे, और मिर्चा पाउडर इसको हम 2 चम्मच लिए हैं। जीरा है इसको 1 चम्मच लिए हैं। हल्दी इसको 1/2 चम्मच, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको 1 चम्मच, और ये नमक लिए हैं इसको भी 1 चम्मच डाल दिए हैं। टेस्ट का जितना चाहिए इतना हम बना लिए हैं। और इधर देखिए हम घोल बना लिए हैं। देखिए दोस्तों, हम फ्राई कर रहे हैं बंदा कोबी है। देखिए फ्राई हो गया है बंदा कोबी का, और हम इधर फ्राई कर लिए। देखिए हम क्यों बंदा कोबी को फ्राई कर रहे हैं और पत्ता सब, क्योंकि हम लोग का सिस्टर लोग कोई कोई है, वो लोग मतलब बैगन नहीं खाते हैं, तो हम लोग जब खाएंगे तो वो लोग नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम कुछ बनाते हैं ऐसे। सब पकौड़ा ऐसे सब पकौड़ा बना लेंगे। देखिए ये क्या है बोलते, वो पत्ता का मीठा कुमड़ा का पत्ता का पकौड़ा, कितना सुंदर। देखिए हेलो दोस्तों, देखिए हम फ्राई कर लिया है। देखिए ये पत्ता का है, बंदा गोभी और क्या बोलते हैं मीठा कुमड़ा का पत्ता का, इसको अलग से हम क्रैक दिए हैं। और इधर हम बैंगन का भी फ्राई कर लिया है। और इधर देखिए बरबूटी का भाजी बना लिए हैं। इधर अंडा और आलू और क्वास को हम करी बनाया है। देखिए नदी से उसी में है, इसी में हम खाली कर दिया है। हम लोग का ये बना है, तो कैसे लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा है तो मेरा पकोड़ा, पकोड़ा नहीं चौक बोलते हैं इसको, पत्ता का, तो ठीक है, यहाँ तक मेरा आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ। बाय बाय।